हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। तो आज हम करेंगे नेशनल न्यूज़। ये आपके रहेंगे करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक आया है? तो ये आया है 40th रैंक। ठीक है, इस बार का ये 60th एडिशन था। टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, इंडिया का रैंक है 40th। पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? विपो, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार। तो ये इन्होंने कहाँ पे लॉन्च की है जो 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार है? तो ये की है इन्होंने न्यू दिल्ली में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसका एम क्या है? ताकि रिड्यूस किया जाए कार्बन फुटप्रिंट, इम्प्रूव की जाए सस्टेनेबल मोबिलिटी और डिक्रीज की जाए क्या कंट्री की डिपेंडेंसी किसके ऊपर? फ्यूल के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक स्पॉट वेयर चंद्रयान 2 वॉज लैंडेड ऑन द मून? तो कहाँ पे लैंड किया था चंद्रयान 2 ने? तो ये पॉइंट है आपका तिरंगा पॉइंट। द स्पेसिफिक स्पॉट वेयर चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून विल बी नेम्ड शिव शक्ति एंड द स्पॉट वेयर चंद्रयान 2 लैंडेड विल बी कॉल्ड तिरंगा पॉइंट। तो देखिए, चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड किया था उस पॉइंट को कहा गया तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया गया है उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति। On 23rd August 2023, Chandrayaan 3 achieved a historic feat by becoming the first mission to land on the south pole of the moon. तो कहाँ पे लैंड किया था चंद्रयान 3? तो ये लैंड किया था साउथ पोल पे। ठीक है, मून के साउथ पोल पे, और ये बना है आपका पहला कंट्री। इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड द रैंक ऑफ द US, रशिया एंड चाइना इन सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया से पहले USA, रशिया एंड चाइना ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं कहाँ पे? मून के ऊपर। लेकिन अगर हम साउथ पोल की बात करें तो इंडिया पहला देश है जिन्होंने साउथ पोल पे लैंड किया है। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ लॉन्च्ड माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन? तो ये लॉन्च की है द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एम क्या है इसका? टैकलिंग द प्रेवलेंट इशू ऑफ ड्रग यूजेज अमंग द यूथ। तो युवाओं में जो नशीली दवाएं हैं उनके लिए क्या किया है इन्होंने, ये कि उसको कैसे टैकल किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट द न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 हैज़ बिन डेवलप्ड? तो कहाँ पर इसे बनाया गया है, कहाँ डेवलप किया गया है? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है, तो ये देखिए, ये है ये नमो 108 लोटस। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनवील्ड अ न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर विद 108 पेटल्स नमो 108। तो इसकी कितनी पेटल हैं? 108। ठीक है, पेटल बोलते हैं पंखुड़ी को। फ्लावर्स ऑफ NBRI नमो 108 वेराइटी ऑफ लोटस ब्लूम फ्रॉम मार्च टू दिसंबर एंड दिस इज़ द फर्स्ट फ्लावर ऑफ दिस वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट? तो किसने लॉन्च की है? तो ये की है अग्निकुल कॉस्मोस ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अग्निकुल को इस्टेब्लिश किया गया है 2017 में। किसके द्वारा? श्रीनाथ रविचंद्रन के द्वारा। This will be the first kerosene liquid oxygen rocket to be designed, developed and launched from India. तो ये पहला kerosene liquid oxygen rocket है। ठीक है, next question is, Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia has inaugurated India's first Medical Technology Expo India, MedTech Expo 2023 in which city? तो कहाँ पे देखने को मिला ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गांधीनगर, जो है आपका गुजरात में। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ नाउ टाइम फॉर इंडिया टू टेक द लीड इन द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर एंड बिकम द लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल, इनोवेटिव एंड क्वालिटी मेडिकल डिवाइस।
तो इंडिया को अब रिकॉग्नाइज किया जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्ट विद द रोबोटिक प्रिंटर यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ओपन इन विच सिटी। तो जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये आपको कहाँ पे देखने को मिला है? पहला बेंगलुरु के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्टर लॉन्च्ड भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो किसने लॉन्च किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। वेन्यू था इसका न्यू दिल्ली। प्रोग्राम का एम क्या था? इन्हांस की जाए रोड सेफ्टी बाय एलिवेटिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर अप टू 3.5 टन व्हीकल्स इन इंडिया। विच स्कीम विल द गवर्नमेंट लॉन्च विद एन एलोकेशन ऑफ 13,000 करोड़ टू 15,000 करोड़ फॉर स्किल्ड वर्कर्स लाइक बार्बर्स गोल्ड स्मिथ वॉशरमैन एट्सेट्रा। तो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है इनके लिए? तो ये की गई है विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, नाउ अगर हम इसका एम की बात करें तो इसके अंदर क्या बताया गया है? ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी स्केल एंड रीच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल एंड टू इंटीग्रेट दैम विद द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, स्कीम को लॉन्च किया गया है सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के दिन, और जो विश्वकर्मा जयंती है ये आती है आपकी फॉल की है 17 सितंबर 2023 को। कौन सी सिटी है सेट टू हैव कंट्रीज फर्स्ट यूनिटी मॉल बिल्ट, जहाँ पे आपको पहला यूनिटी मॉल देखने को मिला है? तो ये है आपका उज्जैन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यूनिटी मॉल विल एक्ट एज वन स्टॉप मार्केट प्लेस फॉर प्रमोशन एंड स्केल ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको GI प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट और लोकल प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो शॉप्स हैं डिस्प्ले करेंगी प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। सारी जितनी भी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स आपको इन शॉप्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी टू जनरेट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पासिस फॉर विजिटर्स टू एंटर द एपिक्स कोर्ट प्रेमिसेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? तो देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पास चाहिए, अगर आपको एंटर करना है एपिक्स कोर्ट प्रेमिसेस को, तो आपके लिए जो पोर्टल है जहाँ से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पासिस मिलेंगे वो पोर्टल कौन सा है? ठीक है, तो उसको नाम दिया गया है सुस्वागतम। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एपिक्स कोर्ट का मतलब होता है हाईएस्ट कोर्ट। सुस्वागतम ये वेब बेस्ड एंड मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो अलाउ करेगी यूज़र्स को ताकि वो रजिस्टर करें खुद को ऑनलाइन और रिक्वेस्ट करें ई पास के लिए, जिसके थ्रू वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं कोर्ट हियरिंग्स और मीट मिल सकते हैं एडवोकेट्स को। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड नया सवेरा स्कीम ऑल्सो नोन एज फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम रिसेंटली? तो ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मदद करेंगे स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की जो बिलोंग करते हैं 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से, सिख जैन मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट एंड पारसी। इन्हें क्या प्रोवाइड की जाएगी? स्पेशल कोचिंग ताकि ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो इन्हें ये जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इन्हें कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। हु हैज़ लॉन्च्ड ई पोर्टल ऑफ भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। डेवलप किया गया है NIFT के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये था आपका 9th नेशनल हैंडलूम डे के दिन सेलिब्रेशन एट भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर। द प्रोग्राम वॉज अटेंडेड बाय ओवर 3,000 हैंडलूम एंड खादी वीवर्स आर्टिशंस एंड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द टेक्सटाइल एंड MSME सेक्टर जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पर्पज़ क्या है? राजमर गायत्रा ऐप लॉन्च्ड बाय NHAI। तो इसका पर्पज़ है टू ऑफर अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये जो ऐप है ये करंटली अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? तो इसका नाम है प्रबल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। रिवॉल्वर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया बेस्ड इन कानपुर। तो इनके द्वारा ये बनाई गई है। प्रबल रिवॉल्वर बूस्ट एंड इम्प्रेसिव
फायरिंग रेंज ऑफ अप टू 50 मीटर, तो यहाँ तक इसकी फायरिंग रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट नभ मित्रा, तो किसने बनाया है ये, तो ये बिल्ड किया है इसरो ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये किसके लिए है, ताकि इन्हांस कर सके सेफ्टी किसकी, फिशरमैन की। ये उन्हें कन्वे करेगा वेदर अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग्स और अदर इंफॉर्मेशन लोकल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाएगी। इसरो की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है इसके बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, चेयरमैन है इसके श्रीधरन सोमनाथ। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड अ कॉमिक बुक डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी एंड यूनेस्को ऑन गुड हेल्थ एंड वेलनेस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुक, तो इसका नाम है, इस बुक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इम्पार्ट करेगी हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंट डिजीज एंड इन्हेंस करेगी एक्सेस टू हेल्थ सर्विस थ्रू वेलनेस सेंटर विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इंडिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ L1 इन आदित्य L1 मिशन, तो जो आदित्य L1 मिशन है इसके अंदर L1 का मीनिंग क्या है, लेग्रांजे, ठीक है, तो इसकी लेग्रांजे पॉइंट से ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन दैट वॉज लॉन्च्ड ऑन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL। इसका मिशन, इस मिशन का काम क्या है, एम क्या है, स्टडी करेगा सन के एटमोसफेयर को इंक्लूडिंग द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, इट विल ऑल्सो स्टडी द सोलर विंड एंड इट्स इंट्रैक्शन विद अर्थ एटमोसफेयर। हु हैज़ लॉन्च्ड अमृत कलश यात्रा अंडर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इन न्यू दिल्ली, तो ये लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये कंपेन का एम है कनेक्ट करेगा एवरी सिटीजन इमोशनली विद द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रेटर इंडिया। अमृतकाल एंड संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव विल पुट इंडिया एट द फोर फ्रंट इन एवरी फील्ड ग्लोबली बाय अगस्त 15, 2047। सेकेंड एडिशन नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ देखने को मिली थी, तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, तो इसका नाम है इंद्रजल, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द सिस्टम कैन नॉट ओनली प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस लाइक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑयल फील्ड्स, इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करेगा इंटायर सिटी को फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ड्रोन से। विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ नोवल कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट डिवाइस फॉर गुड इंडोर एयर क्वालिटी, तो ये डेवलप किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा। इसका क्या रहेगा, ये डिवाइस कंज्यूम करेगा लेस पावर, डीएक्टिवेट करेगा बैक्टीरिया को, मोल्ड को और वायरसेस को, और कैप्चर करेगा डस्ट एंड पोलन को, और रिमूव करेगा ऑडर को, ठीक है, ऑडर होती है स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट हैज़ एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, तो ये इन्होंने किया है शिप रॉकेट के साथ, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस कोलैबोरेशन का एम क्या है, ये इन्हांस करेगा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बाय लेवराइजिंग इंडिया पोस्ट एक्सटेंसिव प्रेजेंस एंड शिपिंग सॉल्यूशंस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम द वेन्यू ऑफ G20 समिट इन दिल्ली, और ये स्टैचू किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया है राधा कृष्ण स्थपाठी, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, तो ये है ये स्टैचू, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी, तो ये देखने को मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द इम्पैक्ट ड्यू टू एक्सीडेंट एंड रिड्यूस लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन के द्वारा जो लॉसेस देखने को मिलते हैं हमें सिग्नल के अंदर, उसको ये रिड्यूस करेगा और ये हेल्प करेगा, क्लियर करेगा फुटपाथ एंड मेक इट सेफ फॉर पेडिस्ट्रियन मूवमेंट, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी, तो ये देखने को मिला है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये देखने को मिली है वाराणसी के अंदर, यूपी के अंदर, पहली हुई थी गुवाहाटी असम के अंदर, सेकंड हुई थी उदयपुर राजस्थान के अंदर, थर्ड हुई थी महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़
हैज़ इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी इन विच सिटी। तो ये देखा गया है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कैंपेन। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसका एम क्या है? प्रमोट करना क्लीनलीनेस को और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम टी फैक्ट्री वेस्ट। तो ये देखने को मिला है IIT गुवाहाटी। असम की टी भी फेमस है ना। इसका दिस ह्यूज इंक्रीज इन टी कंजम्पशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल टी वेस्ट जनरेशन, जिसके कारण क्या रहता है? विच लेड्स टू द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ वैल्यूएबल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड डेट्रियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसलिए जो ये टी कंजम्पशन के कारण जो आपको वेस्ट जनरेट होता है, तो इसमें बहुत सी चीज़ों का नॉन यूटिलाइजेशन, जैसे आपका एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का नॉन यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है और इन्वायरमेंट के डेटोरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड UPAG प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल डेटा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ यू इन UPAG? तो इसका मीनिंग है यूनिफाइड। UPAG की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। डेवलप किया गया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू जनरेट क्रॉप एस्टिमेट सच एज प्राइस, ट्रेड, प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये करेगा जनरेट क्रॉप एस्टिमेट्स के अंदर, जैसे प्राइस हो गया, ट्रेड, प्रोक्योरमेंट भी होता है खरीदना, ठीक है, एंड स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ ऑर्गेनाइज द फोर्थ एंड फाइनल G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेजिडेंसी। तो ये देखने को मिली है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। पहली देखने को मिली थी बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, सेकेंड थी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, थर्ड थी महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वॉज री नेम्ड आफ्टर कैप्टन तुषार महाजन। तो इनके नाम के ऊपर कौन से स्टेशन को फिर से रीनेम किया गया है? तो ये किया गया है उधमपुर स्टेशन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस प्रो कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो ये देखने को मिला है मुंबई के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। थीम क्या है इसका? विजन 2030 स्पाइसेस। द 3-day इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन एसोसिएशन विद वेरियस ट्रेड बॉडीज एंड एक्सपोर्ट फोरम्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी। तो ये देखने को मिलेगा आपको वाराणसी के अंदर। द वेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू अकोमोडेट, इसके अंदर 30,000 स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं एक टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड PM किसान AI चैट बॉक्स किसान ई मित्र। तो ये किया है लॉन्च किसने? कैलाश चौधरी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। वेन्यू था इसका न्यू दिल्ली। AI चैट बोर्ड क्या प्रोवाइड करेगा? इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग? स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री एज वेल एज हेल्प इन रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स। दिस इज द फर्स्ट AI चैट बोर्ड इंटीग्रेटेड विद एनी मेजर फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बींग ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? लखनऊ के अंदर, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। पद्मश्री अवार्ड विनर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। द फेस्टिवल विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे टिल 11 दिसंबर विच इज़ ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस तमिल पोइट, जिनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम भारती, एंड इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंडियन लैंग्वेज डे, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर द 31st मीटिंग ऑफ नदन जोन काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी। तो ये देखने को मिली है कहाँ पे? अमृतसर के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट एट प्रगति मैदान इन दिल्ली फ्रॉम 4 to 6 अक्टूबर। तो ये था 46th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और UT गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ 15-point विंटर एक्शन प्लान टू टैकल एयर पोल्यूशन इन द अपकमिंग विंटर सीजन। तो ये कौन सी यूटी या स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 15-point? तो ये किया है दिल्ली ने इंट्रोड्यूस। इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा हमें? मेजर स्टेप्स बताए जाएंगे टू टैकल पोल्यूशन
एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन इन विच सिटी। तो ये इन्होंने ओपन किया है ग्वालियर में, जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च द नेवी अपडेट इंडिजीनियस प्रोग्राम स्वलंबम 2 इन विच सिटी। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर। इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस भी ऑर्गेनाइज, तो ये देखने को मिलेगा कोच्चि केरला के अंदर। इसको इनोग्रेट किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोकिया हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब इन विच सिटी टू कंट्रीब्यूट भारत 6G विजन। तो ये किया है बेंगलुरु में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर 23 किलोमीटर लॉन्ग कवर्ड सोलर रूफ टॉप। तो ये किया है हैदराबाद में, देखने को मिलेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेम्ड हेल्थवे इट हैज़, इसके अंदर दो लाइंस देखने को मिलेगी। पिंक लाइन जो स्ट्रेच करेगी आपकी कहाँ से कहाँ तक, नानक गुंडा टू तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी, जिसके अंदर आपको 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस। वाइल द ब्लू लाइन स्ट्रेच, आपकी ब्लू लाइन देखने को मिलेगी नरसिंगी हब टू कोलूर स्पैनिंग, जो कि 14.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये इन्होंने की है एससी स्टूडेंट्स के लिए, जो है आज शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट दे सकें। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला हैज़ इनोग्रेटेड 16th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस इन विच सिटी। तो ये देखने को मिला है कोची केरला के अंदर। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के द्वारा। एम क्या है इसका, जनरेट करें साइंटिफिक डिस्कोर्स अराउंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एग्री फूड सिस्टम इंटू सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस, ताकि प्रोवाइड किए जाएं बेनिफिट्स किसको, फ्यूचर जनरेशन को। केरला इसका होस्टिंग था, जिसने होस्ट किया है इस इवेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक है 111। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिले, चाइना एंड क्रोशिया, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इन GHI 2023 में। चैड, नाइजर, लिसोथो, कोंगो, येमेन, मेडागास्कर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं, जो कि बॉटम में हैं। ठीक है, जो नीचे हैं। हु हैज़ इनोग्रेटेड द 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो ये किया है किन्होंने, हरदीप सिंह पुरी जी ने। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड कर सके कॉमन फोरम फॉर रिफाइनर्स एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ रीसेंट एडवांसेस। एम क्या है इसका, कि 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की जाए, विच वॉज ओरिजिनली सेट फॉर 2030, हैज़ बीन पुश्ड बैक टू 2025। जिसका टारगेट तो 2030 रखा है, लेकिन अब उसको कर दिया है 2025 तक। विच सिटी हैज़ सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, तो ये है सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ लॉन्च ट्रेलर ऑफ इन थ्रिलिंग एनिमेटेड सीरीज भारत है हम इन न्यू दिल्ली। तो ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हु हैज़ इनोग्रेटेड नागालैंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन कोहिमा नागालैंड। तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। नागालैंड की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 1 दिसंबर 1963 में, कैपिटल कोहिमा। CM है यहाँ के नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं इसके ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग टाइटल मादी, दिस सॉन्ग इज संग बाय। तो इसके गायक हैं दिव्या कुमार, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक है 45। टॉप किया है नीदरलैंड ने, सेकेंड पे है आइसलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। 15th एनुअल मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। अकॉर्डिंग टू विच मार्केट इंटेलिजेंस इंडिया सरपास जापान टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। तो ये है S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग इंडिया क्या कर जाएगी, सरपास कर देगी जापान को।
रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड द अपार आईडी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अपार आईडी? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसको हम कहते हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। एम क्या है इसका? डिजिटली सेंट्रलाइज एकेडमिक डेटा इंक्लूडिंग डिग्री स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स एंड अदर क्रेडिट्स फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयरबस टाई अप विद विच आईटी टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन। तो किसके साथ इन्होंने टाई अप किया है, कौन सी आईआईटी के साथ? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसका एम क्या है? इस कोलैबोरेशन के अंडर दोनों एंटिटीज़ प्रमोट करेगी रिसर्च किसके अंदर? एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। डेवलप करेंगे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी ताकि इन्हेंस किया जाए टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को। किनके लिए? एरोस्पेस स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।